यूनिट 4 में महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। तैयारी जो है एक अभ्यर्थक को क्या क्या चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो जो है अभ्यर्थक को स्वयं की तैयारी करनी होती है। स्वयं की तैयारी से तात्पर्य क्या है? स्वयं की तैयारी से तात्पर्य यह है कि अभ्यर्थक को अपनी पाठ योजना, प्रदर्शन योजना एवं अन्य सामग्रियों की भी जो है तैयारी करनी होती है। इसके साथ साथ आपका क्लासरूम और वर्कशॉप इनका भी अरेंजमेंट एक अभ्यर्थक को तैयारी में आता है। जैसे बेंच का सेटिंग अरेंजमेंट करना, ठीक है, आपका टूल्स इक्विपमेंट का सेटिंग करना, बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था करना, ये सब एक अभ्यर्थक की तैयारी में आता है। तीसरा क्या हो गया है? लेआउट। लेआउट से ये तात्पर्य है कि आपके कार्यशाला में कौन सी मशीनरी, कौन सा उपकरण और कौन सा टूल किस जगह पे रखा जाना चाहिए, इसकी पर्याप्त एक इसका पूर्ण नक्शा अभ्यर्थक के पास होना चाहिए। क्योंकि कार्यशाला में कार्य करते समय बच्चों को असुविधा ना हो, इसलिए जो है एक मैप होना चाहिए। उसी मैप के आधार पर हमेशा जैसे अलमारी हो गया आपका, ठीक है, अलमारी में आपके इक्विपमेंट हो गए, ड्रिल मशीन हो गई, गेज मशीन हो गई है, अन्य सामग्रियां हैं, अन्य उपकरण है, उनको क्या है व्यवस्थित तरीके से नक्शे के अनुरूप रखा जाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्रिंट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपका क्या है? इक्विपमेंट और मटेरियल। इक्विपमेंट का मतलब हो गया है उपकरण, वे उपकरण जो कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य कराने के दौरान उपयोग किए जाते हैं। मटेरियल में आपका क्या क्या चीज आ गया? एक तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, कच्ची सामग्री हो गई है, इससे संबंधित प्रायोगिक कार्य कराने से संबंधित कुछ ऐसी सामग्रियां जिनकी तैयारी हमें सबको सबसे पहले चरण में यानी कि तैयारी के चरण में करानी होती है। उसके बाद में डिस्ट्रैक्टिंग आइटम का मतलब हो गया है वे वस्तुएं जो जिनका दैनिक उपयोग नहीं है, जो दैनिक उपयोग में नहीं आने वाली है, उनको क्या करना होता है? उनको जगह से हटा देना होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये वर्कशॉप हो गया है, ठीक है, इस वर्कशॉप में सबसे पीछे वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका तकरीबन जो है अच्छा स्पेस मिलता है कार्यशाला में, तो जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग आइटम है उनको क्या करना है? उनको सबसे पीछे उनको रखवा देना है। आपके इक्विपमेंट आ जाएंगे एक साइड में, रिकॉर्डिंग टूल आओ और जितने भी आपकी जो अलमारी है और जो भी सामग्री है वो आपको व्यवस्थित तरीके से उनको रख सके। फिर जो बेंच वाइज हो गई है आपकी, उनको आप इस तरीके से लगाएं कि बच्चे जो है दोनों तरफ प्रायोगिक कार्य कर सके, ठीक है। इसके बाद में सेफ्टी इक्विपमेंट की बहुत जरूरी है। सेफ्टी इक्विपमेंट में जैसे मान लीजिए जो फायर फाइटिंग है वो भी सेफ्टी इक्विपमेंट में आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट एड हो गया है वो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है। ये चीजें जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है उनको वर्कशॉप में रखना एक अभ्यर्थक की तैयारी में आता है। फायर वाला भी आता है, फायर वाला भी आता है, हाँ, फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब किसमें जाते हैं? सुरक्षा उपकरण में जाते हैं। लास्ट में जो तैयारी करनी होती है वो बच्चों की तैयारी करनी होती है। किसको? अभ्यर्थक को। क्या क्या तैयारी होती है? जैसे बच्चों का उपस्थिति पत्रक तैयार करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनके डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, उनका जो पढ़ाने के लिए जो लर्निंग मटेरियल है उनको व्यवस्थित तरीके से रखना, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी? बच्चों की तैयारी में। तो प्रिपरेशन वाले पोर्शन में जो 7 पॉइंट आपको बताए हैं ये एक अभ्यर्थक को तैयारी के रूप में करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए,